देखो एक बात सुनो, हमारे संचालक साहब जो भी कोई हाँ है वो भी कैसे कैसे संबंध कर दिया सकता है ना, लेकिन वे इससे पहले एक शब्द लगा रहे हैं, बोलो साधो, बोलो साधो, आवाज आ रही है, बोलो साधो क्यों कहें। आप एक विचार करो, मैं भी चिंतन किया इस बात का, आप अगर गेहूं बोगे तो क्या करते हैं, गेहूं करते हैं, अगर मुंजी बोगे मुंजी काटेंगे, एक बोगे एक काटेंगे, यानी जो भी बोगे वही काटोगे, इसलिए क्या बोलो, समझ गए ना, बोलो साधो यानी बोलो, जो तुम्हें आप बोगे तो इस सतगुरु महाराज के दरबार में केवल सतनाम सत्साहित काम आवेगा और कुछ काम आने वाला, इसलिए जब भी यहां से कहे बोलो साधो सत्साहित को हमें बोलना चाहिए। ये एक नई चीज आपको बता दी, मैंने चिंतन किया इस बात का, इसलिए हम बोल हैं, बोलो साधो सत्साहित। प्रेमियों देखे सत्संग चल रहा, लेकिन इस सत्संग के अंदर मैंने एक चिंतन और किया, इस सत्संग के अंदर यहाँ पे 95% 60 साल तक ऊपर पड़ गए, समझ गए, 95% 60 साल से ऊपर के थे, शायद इन 60 साल वालों को सत्संग की जरूरत ना हो। सत्संग की आवश्यकता किसे है, सत्संग की आवश्यकता है जो 15 से 25 का है, वो भटक चुका, याद रखना। अगर सत्संग आपका बढ़ सकता है, सत्संग आपका जीवित रह सकता है, तो वो 15 से 25 का व्यक्ति रख सकता है, युवा रख सकता है, आपके सत्संग कैसे रखने से, बुरा लगता होगा ना बात का। ये जो सत्संग हम कर रहे, ज्यादा से 10 साल कर सको, 10 साल बाद सत्संग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 60 साल वाले 10 साल में नवाकर को हमने लगा, और जब नए लगे फिर सत्संग को रख लोगे क्या, कबीर साहब को रख लोगे क्या, गुरु रविदास जी को रख लोगे क्या, बाबा साहब को रख लोगे क्या, नहीं रख सकते। इसलिए सत्संग के अंदर जब बैठो, अपने युवाओं अपने बच्चों को अपने बहनों को क्यों कह रहा, क्योंकि ये रोज छोटा है तो हमारे पास मानते हैं, गुरु जी हमारी लड़की हमारी बात नहीं मानती, गुरु जी हमारा लड़का हमारी बात नहीं मानता, गुरु जी हमारी बहू हमारी बात नहीं मानती, सत्संग ही हो जी हाँ, मगर सत्संग में भी लेकर जा रहा हूँ, बोले जी ना सत्संग में तो हम ही जाऊँ, और जा भी कौन, सत्संग में सब नहीं जाते, जिन्होंने सत्संग ले रखा वे भी सब नहीं जाते, सिर्फ सत्संग में वे जहाँ 95% जिनको कुछ कहना आता हो या गाना आता हो, और हमारे जितने गायक हैं ज्यादा दूर में जाओ चिंतन कर लो, यही सी कम से कम भी 15 नंबर आ गए होंगे, 14 साल जितने के 15 नंबर आ लिए ना, उनमें से यहां तक 4 निकलने के, मैं दिहाड़ी बना के सब जा लिए, मैं सच्चाई कहूं, मैं कड़वी सच्चाई कहूं, दिहाड़ी बन गई, ये इतना बड़ा समाज है, इसने भट्टे पर काम करना भी छुटा दिया, 2 बाणी सिक्को और अपना सारा भट्टे पर काम करना बंद, 1 बांधना बंद, 1 खोलना बंद, 2 बाणी सिक्को तो पर अपना भट्टा दे उसमें छुट्टी अपना एक कड़वी सच मसंचा लगता। मैंने कितना समय 57 दिन आटा आपने 3 गुदी, थोड़ा कड़वा बोल रहा लेकिन सच्चाई बता रहा, मुझे भी पता समय हो रहा, और मैं हरिद्वार से चल गया, यहाँ से आया 200 किलोमीटर चल गए, कोई मूर्ख नहीं हूं, अनपढ़ भी नहीं हूं। मेरे प्रेमियों जागना आज आपको है, जगाना आपको है, जगाना अगर आपको है, अगर सत्संग को रखना है, और सत्संग कब रहेगा, सत्संग जब रहेगा, जो हमारे ये बड़े बड़े विद्वान गविस्तर है ना, मैं तो इस चीज का चिंतन किया करूं, आप नहीं करते, जब यही भटके हुए हैं तो ये तुम्हें क्या खाक रास्ता दिखाओगे क्या, मुझे आप बताओ जितने भी विद्वान कविस्तर यहाँ गायक आए, जंकी बात बताओ मोर की छोड़ दो, कितनों ने आके महापुरुष का जमा था टेक्का, किसने टेक्का माथा भाई का, एक ने
नीचे कहेंगे क्योंकि ये तो रविदास ही तो है, मैं कबीर पंथी हूँ, मैं नाथपंथी हूँ, मैं क्या नाम निरंकारी हूँ, राधा स्वामी हूँ, कबीर झिगड़ा हूँ, फलाना पंथी हूँ, सब पंथों में फट के इस महापुरुष को बोल गए जो उनका खड़ा पुरुष है। कारण क्या हो रहा, एक ही हो रहा, यो सबका खसम है, याद रखियो। भाई बात सुनो, देखो मैं जिस चीज को मैं कह रहा सत्संग ही कर रहा, मैं सत्संग ही बता रहा मैं, ये क्यों कह रहा, पहले सुन तो लो, पहले सुन तो लो, पहले सुन तो लो, बस चुप हो गए, बैठ सुन लो। मैं क्यों कह रहा, क्योंकि आप निरंकारी में राधा स्वामी में जाओ, बड़े बड़े पंडितों में जाओ, इसके नाम के बिना चल रहा है, सब इसका नाम लेंगे, और क्यों लेंगे इस बात का आपको पता, आपको नहीं पता होगा। नुकया सतयुग में शिव जी ने गंगा जटा बीच बहाई थी, पानी की भी सेवा करो। सतयुग में शिव जी ने गंगा जटा बीच बहाई थी, कलयुग में रविदास गुरु ने कुंडली बीच, जिसने सिर पर स्थान दिया गंगा को, और एक चमड़े की कुंडियों बुलाता हो उससे बड़ा कोई होगा क्या। मेरे समाज को भटका दिया गया, सही रास्ता नहीं बताया गया, इसलिए मैं कह रहा बुरी लगती है, कड़वी लगती है सच्चाई। त्रेता युग में हनुमान ने सीना चीर कर राम दिखाए थे, त्रेता युग में हनुमान ने सीना चीर कर राम दिखा, भगवान बुला लिया। त्रेता युग में हनुमान ने सीना चीर कर राम दिखाए थे, कलयुग में सीना चीर कर रविदास ने सब के जने वो दिखाए थे, तो काम किया। नुकया दुआपुर में कृष्ण ने अर्जुन को पावन रूप दिखाए थे, याद रखना, दुआपुर में कृष्ण ने अर्जुन को पावन रूप दिखाए थे, कलयुग में योगवती की यज्ञ में गुरु रविदास जी ने रूप अनेक दिखाए थे। बड़ा कौन मानने को, मैं कहता मुझे नहीं पता, मान लो ना मान लो, मेरा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं एक बात कह रहा, अगर हम जिसका था उसकी गीत कह रहे हैं, खैर प्रेमियों, मेरा तो कहना का इतनी तात्पर्य है कि भाई इन बच्चों को अगर समाज को, अपने युवाओं बहनों को, अपने लड़कों को, अपनी बेटियों को सुधार के चले, सत्संग दे के चले, और सत्संग जब ही हमें दिखाई दे, जब हम सत्संग यहाँ सत्संग में देख लें, वहां सत्संग नहीं, घरों में सत्संग नहीं दिखाई देता, मैं यहाँ सत्संग दिखाई दे, क्योंकि आप माथा टेको, जोड़ पत्ती करो, सामग्री करो, अपने घरों के अंदर जिस गुरु को आप मानते हो, जिस भगवान को आप मानते हो, सबसे पहले अगर आप टेकोगे तो आपके बच्चे टेक लेंगे, और मेरे जैसे मरीज ने यहाँ कर दिया करे, जो यहाँ टेकता हो अपने घर में भी टेकता होगा, और नहीं तो भाई नुकया लोगो बिन देखे उस देश की बात करे से पूर्ण, और आप भारी भाव दे और देश को पूर्ण धोखा देना समाज को बन किया जा। मेरे प्रेमियों एक छोटा सा भजन है, और अभी जैसे बताया समय कम है, मुझे भी पता है, क्योंकि बातें सुननी आपको पसंद नहीं, हमारे घर संचालक का किसी को पसंद नहीं आता। अपने चरणों में लगा करके अच्छी जगह स्थान दे, और जिस तरह से आज उनके परिवार ने, उनके बच्चों ने ये सत्संग कराया, ये सत्संग बहुत पवित्र आत्म
आत्मा कोई होती है सबके भाग्य में नहीं हुआ करता, जो इस संसार से जाने के बाद सतगुरु महाराज का सत्संग किया जाता हो। और ये सत्संग इसी नाम का किया जाता है कि जितने व्यक्ति सत्संग के अंदर आते हुए 5-7 घंटे बैठ कर उस सतगुरु महाराज से याचना करें, सतगुरु महाराज इस महान आत्मा को अपने चरणों में जगह दे। वाणी का भाव है कैसे बताया, जैसे क्या नाम बताइए, श्याम सिंह जी, जैसे श्याम सिंह जी संसार से गए, हम सब भी यहां जरा मरनी याद रखियो, आज हो गया तो कल को नंबर माला भी लग रहा, हजारा मर को कोई नहीं है, इसलिए कहते हैं सांसारिक भाषा में कहते हैं मर गया, कहते हैं ना मर गया, लेकिन इसका दूसरा भाव भी है, ये जो मर है ना मर, इसे रह को पहन लिया हो, क्या बन गया, रम गया। रमने का मतलब है कि 5 तत्वों में 5 तत्वे अपनी अपनी जगह, सांसारिक भाषा में क्या मर गया, लेकिन विद्वानों की भाषा में कहते हैं रम गया। और यहाँ पे अजर अमर बन बताया कोई नहीं, सबको जाना है, हम सबके ठिकाना वहीं पे है, इसीलिए सतगुरु महाराज कहते हैं आज अगर वो गया तो कल नंबर 13 भी कैसे बताते हैं, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, पत्नी से कह देना, घर जाकर के अपनी पत्नी से कहना कि कोई अच्छा सा भोजन बना दे, इस काम को कर लिए, बोला ठीक है, घर गया, जब घर गया अपनी पत्नी से कहा कि अगर मुझे कभी कुछ हो जा तो मेरे गुरु को बुला लेना, बात आई गई होगी, घरवाली से कहा 2-3 दिन बाद एक काम कर, ऐसा कर हलवा बना ले, हलवा बना लगी घरवाली, भाई साहब चंदर होगा और का पड़ गया, मोर प्राणायाम खेच लिया, गुरु ने सिखाया था, घरवाली ने हलवा तैयार करा, हलवा तैयार करने के बाद पति के मुंह से चंदर उठाई, चंदर उठा के देखा तो पति देव खत्म, घरवाली रोने बैठ गई, सब परिवार भाई एक काम कर, तू तो अपनी जिंदगी जी लिया, सब कुछ देख लिया, एक काम कर इसे तू पी ले और तू मर जाएगा और यो जी जाएगा, तो दगुर दिए जो 10 रुपये लोग दिल लेने देने का क्या होगा, बाप ने कपट कर, उसने माँ से कहा, माँ ने कहा बुढ़े थे गुरु जी मना तो करती नहीं पर मेरे बाद में बुढ़ा क्या होगा, वह भी पटली बोला बह बेटी उसकी जो पत्नी थी तू पी ले,
ऐसा कर, अगर तू अपने पति का कमरे की सूरत में जाती तो पीला तू मर जा, क्यों नहीं जगा। बोले जब इसकी माँ नहीं मर रही, बापू नहीं मर रहा, फिर मेरा ही क्या लगे। नुक सुनो गुरु जी मेरे, अब क्या क्यों मर गया तो मुझे और बदले रहे, मेरी उम्र निपट गई रपट गई। बोला कहने लगा भाई कोई नहीं, पीता नहीं अगले महाराज चल रहा तो मैं पी लू, पी लो गुरु जी पी लो, थारी दया हो जाएगी, पी लो गुरु जी पी गए। चिल्ला उठा हाथ खोली, बोला गुरु जी पैरों पड़ गया, गुरु जी आप सच कहते हो, संसार के अंदर ये स्वार्थी संसार है, मतलब का संसार है, इसलिए यहाँ कोई किसी का नहीं है। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। एक दिन रोता फिर पछताएगा।
धन मुझे देते हो, जो आप धन देते हो ये धन जिन बहनों के माँ बाप नहीं अनाथ हैं या माँ बाप अंधे अपाहिज हैं गरीब हैं, उन बहनों की शादी किया करता हूँ। अगर कहीं कोई ऐसी बहन हो वो अपने आप को गरीब ना समझे, उनका भाई शादी करता है, लड़का उसके रिश्तेदार परिवार वाले ने अगले शादी हम कर दिया करते हैं, हमें बता देना। दूसरा काम, अगर कोई ऐसे बुजुर्ग हो जिनकी उम्र 70 साल आ गई हो और उनके यहाँ कोई संतान ना हो, ऐसे बहुत हुआ करते हैं ना, वो कहीं दिहाड़ी मजदूरी नहीं किया करते, अगर ऐसे बुजुर्ग हो, चाहे वो माता हो या हमारे बुजुर्ग हो भाई, उन सबके खाते में ज्यादा तो मैं करता नहीं लेकिन 500 रुपए महीना उनके खाते में ये पैसा भेजा करता हूँ। इसी पैसे से दिल्ली नरेला के अंदर हमने जो एक कोचिंग सेंटर जिसमें सिलाई सिखाई जाती है लड़कियों को और लड़के लड़कियों को कंप्यूटर सिखाया जाता है फ्री, जो टीचर वहां है उनकी सैलरी में पैसा तैयार करता है, और ऐसे अनेकों काम मैं बताऊंगा तो फिर सुबह हो जाएगी, लेकिन मैं यही कहता हूँ चाहे कबीर पंथी महात्मा हो, नाथ पंथी हो, रविदास हो, चाहे किसी मत के महात्मा हो, अगर वे एक घंटा कबीर साहब के बारे में प्रचार कर रहे, घंटा नाथ पंथ के बारे में प्रचार कर रहे, तो 10 मिनट ये भी बता रहे कि हम लोग महापुरुषों के नाम पे समाज के अंदर आपके बच्चों के लिए हम ये काम करेंगे, तभी तो समाज का भला होगा। आप सभी का धन्यवाद। कैसे बताया कि सत्संग के अंदर पाठ पढ़ते हैं और अंत में कैसे कहते हैं और क्या कहते हैं, बड़ा ध्यान से सुनना।